जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम जानेंगे महाराष्ट्र राज्य के एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन श्री हजूर साहिब नांदेड़ के बारे में, और साथ ही साथ हम बताएंगे कि हजूर साहिब नांदेड़ से कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं। इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है विजय सोलंक ने। और भी बहुत कुछ जानेंगे इस रेलवे स्टेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ प्रेस कर दें इस बेल बटन को, ताकि जब भी कोई हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों हजूर साहिब नांदेड़ दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का एक खास रेलवे स्टेशन है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह रेलवे स्टेशन दोस्तों इसलिए भी खास है क्योंकि यह सिख भाइयों के पवित्र स्थल नांदेड़ में सचखंड गुरुद्वारा श्री अचल साहिब से जुड़ा हुआ है, जो कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की विश्राम स्थली है। यह रेलवे स्टेशन सन 2003 में बना और नांदेड़ रेल डिवीजन के अंतर्गत आता है। पहले यह हैदराबाद डिवीजन में आता था। हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन ए कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड है NED, और इस रेलवे स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई है 362.42 मीटर। यह रेलवे स्टेशन दोस्तों अभी तक डीजल लाइन रेलवे स्टेशन है, जिसका दोहरीकरण हो चुका है, और यह रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद मनमाड़ रेलवे लाइन पर मौजूद है। बात करें इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जहाँ से देश के दूसरे शहरों के लिए ट्रेनें चलती है या फिर यहाँ से होकर गुजरती है। यह रेलवे स्टेशन भारत के सभी प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर जैसे शहरों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यहाँ से शुरू होने वाली ट्रेनों की संख्या है 24, और यहाँ पर टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों की भी संख्या है 24, और 53 ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरती है, जिसमें 46 मेल एक्सप्रेस, 16 पैसेंजर ट्रेन, 1 संपर्क क्रांति, 3 सुपरफास्ट और 1 हम सफर ट्रेन शामिल हैं। हजूर साहिब नांदेड़ से नज़दीकी रेलवे स्टेशनों की अगर हम बात करें तो पूर्णा जंक्शन और मुदखेड़ जंक्शन मुख्य रेलवे स्टेशन यहाँ से नज़दीक हैं, जहाँ की दूरी है 30 किलोमीटर और 23 किलोमीटर। और दोस्तों अगर हम हजूर साहिब नांदेड़ से शुरू होने वाली ट्रेनों की बात करें तो इसमें है 57594 हजूर साहिब नांदेड़ मेडचल पैसेंजर। यह ट्रेन रोजाना सुबह 4:55 पर यहाँ से रवाना होती है और दोपहर 12:10 पर मेडचल में अपनी यात्रा को पूरा करती है। 11:12 नांदेड़ लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई साप्ताहिक एक्सप्रेस। यह ट्रेन हर गुरुवार सुबह 6:30 पर यहाँ से खुलकर रात 11:45 पर मुंबई LTT में अपनी यात्रा को पूरा करती है। 728 किलोमीटर की यात्रा को यह ट्रेन 17 घंटे और 15 मिनट में पूरा करती है। 16593 नांदेड़ KSR बेंगलुरु एक्सप्रेस। यह ट्रेन रोजाना सुबह 6 बजे नांदेड़ से खुलकर दूसरी सुबह 4:45 पर बेंगलुरु सिटी में अपनी यात्रा को पूरा करती है। 1030 किलोमीटर के डिस्टेंस को यह ट्रेन 22 घंटे और 45 मिनट में कवर करती है। 12753 नांदेड़ हजरत निजामुद्दीन मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यह एक वीकली ट्रेन है जो हर मंगलवार को सुबह 9 बजे नांदेड़ से रवाना होती है और बुधवार दोपहर 1 बजे दिल्ली NCT के हजरत निजामुद्दीन में पहुंचती है। 1626 किलोमीटर की यात्रा को यह ट्रेन 28 घंटे में पूरा करती है। 17623 नांदेड़ श्री गंगानगर साप्ताहिक एक्सप्रेस वाया बीकानेर। यह ट्रेन हर गुरुवार को सुबह 9 बजे नांदेड़ से खुलकर हर शुक्रवार रात 11:40 पर राजस्थान के श्री गंगानगर में पहुंचती है। यह ट्रेन 1993 किलोमीटर की यात्रा को तय करती है। 12715 हजूर साहिब नांदेड़ अमृतसर सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन रोजाना चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो हर दिन सुबह 9:30 पर नांदेड़ से रवाना होती है और दूसरी रात 8:25 पर अमृतसर में अपनी यात्रा को पूरा करती है। 2080 किलोमीटर की यात्रा को यह सचखंड एक्सप्रेस 35 घंटे में पूरा करती है। 17618 नांदेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई तपोवन एक्सप्रेस। यह ट्रेन भी रोजाना चलने वाली एक डेली ट्रेन है जो हर दिन सुबह 10:05 पर
यहाँ से रवाना होती है और रात 9:50 पर मुंबई CSMT में अपनी यात्रा को पूरा करती है। 605 किलोमीटर के डिस्टेंस को यह ट्रेन लगभग 12 घंटे में कवर करती है। 12751 हजूर साहिब नांदेड़ जम्मू तवी हम सफर एक्सप्रेस। यह एक वीकली हम सफर ट्रेन है जो हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे नांदेड़ से खुलकर हर शनिवार को रात 11:30 पर जम्मू तवी में अपनी यात्रा को पूरा करती है। 2050 किलोमीटर की जर्नी को यह ट्रेन 36:30 में कवर करती है। 12485 नांदेड़ श्री गंगानगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया अबोहर। यह एक बाई वीकली ट्रेन है जो हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 बजे रवाना होती है और हर मंगलवार और शुक्रवार को रात के 10:30 पर राजस्थान के श्री गंगानगर में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह ट्रेन 1960 किलोमीटर के डिस्टेंस को 35:30 में कवर करती है। 12421 नांदेड़ अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह एक वीकली ट्रेन है जो नांदेड़ से अमृतसर के बीच में चलती है। यह ट्रेन हर बुधवार को सुबह 11 बजे नांदेड़ से खुलकर हर गुरुवार को रात के 10:05 पर अमृतसर में पहुंचती है। यह ट्रेन 1936 किलोमीटर की यात्रा को तय करती है। 22457 नांदेड़ अम्बा अंदौरा हिमाचल प्रदेश सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन हर शनिवार सुबह 11 बजे नांदेड़ से खुलकर हर रविवार रात 9:45 पर अम्बा अंदौरा हिमाचल प्रदेश में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह ट्रेन 1885 किलोमीटर की यात्रा को तय करती है। 12439 नांदेड़ श्री गंगानगर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया हनुमानगढ़। यह ट्रेन हर रविवार सुबह 11 बजे नांदेड़ से रवाना होती है और हर सोमवार रात 11:25 पर राजस्थान के श्री गंगानगर में पहुंचती है। 1993 किलोमीटर की यात्रा को यह ट्रेन 36:25 में पूरा करती है। 17620 नांदेड़ औरंगाबाद वीकली एक्सप्रेस। यह ट्रेन हर शुक्रवार को सुबह 11:50 पर नांदेड़ से खुलकर शाम 5:20 पर औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी यात्रा को पूरा करती है। 236 किलोमीटर के डिस्टेंस को यह ट्रेन 5:30 में कवर करती है। 17410 नांदेड़ आदिलाबाद एक्सप्रेस। यह ट्रेन रोजाना दोपहर 3 बजे नांदेड़ से रवाना होती है और शाम 7 बजे तेलंगाना के आदिलाबाद में पहुंचती है। यह ट्रेन 185 किलोमीटर की यात्रा को 4 घंटे में तय करती है। 12767 हजूर साहब नांदेड़ सांतरागाछी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह एक वीकली ट्रेन है जो हर सोमवार को दोपहर 3:25 पर नांदेड़ से रवाना होती है और मंगलवार शाम 7:15 पर वेस्ट बंगाल के सांतरागाछी में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह ट्रेन 1570 किलोमीटर के डिस्टेंस को 28 घंटे में कवर करती है। 20812 नांदेड़ विशाखापट्टनम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह ट्रेन हफ्ते में 3 दिन चलने वाली ट्रेन है जो हर रविवार बुधवार और गुरुवार को शाम के 4:35 पर हजूर साहिब नांदेड़ से रवाना होती है और हर सोमवार गुरुवार और शुक्रवार को सुबह के 10:15 पर विशाखापट्टनम में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह ट्रेन 965 किलोमीटर की यात्रा को 17:40 में तय करती है। 20810 नांदेड़ संबलपुर नागवली एक्सप्रेस। यह ट्रेन भी हफ्ते में 3 दिन चलने वाली ट्रेन है जो हर सोमवार मंगलवार और शनिवार को शाम के 4:35 पर नांदेड़ से रवाना होती है और हर रविवार मंगलवार और बुधवार को शाम के 7:30 पर ओडिशा के संबलपुर जंक्शन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह ट्रेन अपनी 1475 किलोमीटर की यात्रा को 27 घंटे में तय करती है। 17614 नांदेड़ पनवेल एक्सप्रेस। यह ट्रेन रोजाना चलने वाली ट्रेन है जो रोजाना शाम 5:30 पर यहाँ से रवाना होती है और दूसरी सुबह 9 बजे यह पनवेल में अपनी यात्रा को पूरा करती है। 57558 नांदेड़ निजामाबाद डेली पैसेंजर। यह ट्रेन रोजाना शाम 6:15 पर यहाँ से रवाना होती है और रात 9:05 पर निजामाबाद में अपनी यात्रा को पूरा करती है। 57542 नांदेड़ नागरसोल पैसेंजर। यह ट्रेन रोजाना शाम 7:25 पर यहाँ से रवाना होती है और सुबह के 4 बजे नागरसोल में पहुँचती है। 57516 नांदेड़ दौंड पैसेंजर। यह ट्रेन रोजाना रात 8:50 पर नांदेड़ से खुलकर दूसरी सुबह 11:55 पर दौंड जंक्शन में पहुँचती है। 587 किलोमीटर की यात्रा को यह ट्रेन
15 घंटे में पूरा करती है। 12730 नांदेड़ पुणे बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया मनमाड़। यह ट्रेन हर रविवार और मंगलवार को रात के 9:20 पर नांदेड़ से खुलकर हर सोमवार बुधवार को सुबह 9:20 पर पुणे में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह ट्रेन अपनी 660 किलोमीटर की यात्रा को 12 घंटे में तय करती है। और 17611 हजूर साहब नांदेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई राज्य रानी एक्सप्रेस। यह ट्रेन रोजाना रात 10 बजे नांदेड़ से रवाना होकर रोजाना सुबह 10 बजे मुंबई CSMT में अपनी यात्रा को पूरा करती है। यह ट्रेन 594 किलोमीटर की यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन और यहाँ से चलने वाली ट्रेनों की छोटी सी जानकारी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।